तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम फ्री फायर का एक ऐसा मैप खेलने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी भी देखा नहीं होगा। गाइस आज हम आए हैं फ्री फायर के ओल्ड वर्जन के अंदर एंड आज हम एक ऐसा मैप खेलने वाले हैं जो किसी को भी याद नहीं है और किसी ने भी उसको खेला नहीं होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ 101% गाइस जितने लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ने इस मैप को खेला होगा और वो भी बड़ी मुश्किल से। गाइस आज हम फ्री फायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैप और फर्स्ट मैप बर्मुडा के बाद जो रिलीज हुआ था उसे देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फ्री फायर के ओल्ड वर्जन के अंदर है तो बहुत मजा आने वाला है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, लाइक के बटन पे क्लिक कर दो, 10 के लाइक स्क्रीन के अंदर आप हो जाने चाहिए। जिन लोग को ये बैकग्राउंड याद है ना उनको एक नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा। और गाइस हम अपनी पुरानी लॉबी के अंदर आ चुके हैं। ये है ईस्टर एग वाली, जब ईस्टर इवेंट चल रहा था हमारी फ्री फायर के अंदर, जब पहली बार ईस्टर बनी जो बंडल है और ईस्टर बनी कल जो MP40 वगैरह होती है वो सारी आई थी फ्री फायर के अंदर। ये तब का टाइम है, ठीक है। तो मतलब ये पुराना, बहुत पुराना टाइम है, आप लोग को याद होगा, कुछ लोग को ये भी याद होगा ये ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन क्या खतरनाक चीज़ है, इसके अगर आगे हम आ जाते थे तो भाई कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर तो भाई इसमें तो हम बिल्कुल ट्रेन के आर पार चले जा रहे हैं, बट पहले भाई अब जैसे ट्रेन के आगे आते थे हम आपको ट्रेन सीधा फेंक देती थी साइड पे और भाई बुरे हाल हो जाते हमारा। पर भाई आज मजा आने वाला है बिकॉज हम अभी यहाँ आ चुके हैं एक ऐसे मैप के अंदर जो भाई बहुत लोग बोलेंगे ये कौन सा मैप है, ये कौन सा मैप है। गाइज ये है हमारा नन अदर देन पोकेट्री मैप। गाइज जे जो लोग को पोकेट्री मैप पता है ना गाइज, ये पोकेट्री मैप है, बट ये पुराना पोकेट्री मैप है गाइज। जब सिर्फ आधे का भी आता जो सिर्फ लेफ्ट साइड का जो अपना गोल्फ कोर्स एम्प्टी विला और क्वेरी और अपना जो क्वेरी वाला एरिया होता था ना, सिर्फ वो वाला जब लॉन्च हुआ था ये तब का मैप है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, आप लोग मैप देख सकते हो अगर आप लोगों ने मैप नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेरी है, यहाँ पर गोल्फ कोर्स है, यहाँ एम्प्टी विला है, यहाँ नीचे एयरपोर्ट है मेरा जो फेस के अंदर एयरपोर्ट तक है गाइस। एयरपोर्ट तक नाम की भी कोई जगह होती थी सोचो फ्री फायर के अंदर। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, अभी हम जिस जगह पे है गाइस वो तो है क्वेरी। गाइस जिन लोगों को नहीं पता, मैं कुछ टाइम पहले तक ना यार ई-स्पोर्ट खेल रहा था और ई-स्पोर्ट के अंदर ना जब मैं मतलब हमारा जो होता था क्या मतलब ड्रॉप पॉइंट होता ना वो गाइस होता था क्वेरी। एंड अभी हम क्वेरी पे ही वापस आ चुके हैं, पर गाइस ये क्वेरी और हमारे टाइम का क्वेरी मतलब आसमान जमीन का फर्क है गाइस, आसमान जमीन का फर्क है। ये क्वेरी कौन सा क्वेरी है गाइस मैं बताता हूँ। गाइस ये है हमारा ओल्ड क्वेरी, जब रियल क्वेरी आया था। देखो क्वेरी एक तरह का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो मतलब क्वेरी के साथ में कौन सी जगह होती है वो मार्वल एरिया क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर मतलब मार्वल बनाते हैं एक तरह से, मतलब मार्वल वाला डब्बे बड़े बड़े ब्लॉक्स के। तो गाइस ये वही है एक तरह से, समझ लो कि यहाँ से वो लोग पत्थर निकालते थे एंड वहां पर जाके ये पत्थर डाल देते थे, मतलब वहां पे वो कहीं पे होता है अपना मार्वल स्टोन क्या बोलते हैं गाइस। अगर मैप ओपन करने दो एक बार ताकि मैं आप लोग के लिए गाइस अच्छे से देख पाऊँ कि फ्री फायर के मैप, यहाँ पर चलते हैं पोकेट्री पे चले जाते हैं गाइस। एंड इस जगह को बोला जाता है मार्वल वर्क बोला जाता है। और जो यार ये सारा एनिमी मेरे को मारने आ रहा है, लगजा साले गुलिया मर गया साला, हरामी मेरे को मारना चाहता था, ठीक है। मार्वल वर्क होता है गाइस क्वेरी के साथ। और भाई इतने सारे, अरे रे भाई मैं मर ना जाऊं भाई, ओके लग जा अरे रिलोड 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 ओके एक बंदा बचा हुआ है सिर्फ, लग जा भाई गाइस वहीं पे कहीं पे छुपा हुआ है, काहे साले काहे, अरे भाग गया भाई गिरी ना यार। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है गाइस। देखो यहाँ पर हमारा क्वेरी आप लोग देख सकते हो, ये भाई लिटरली एक पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको स्टोन माइनिंग एरिया है जहाँ पर स्टोन माइन करा जाता था। पूरा डिट्टो सेम ऐसा मैप रिलीज हुआ था फ्री फायर वालों ने गाइस अपना वो तक क्या बोलते हैं उसको ट्रेलर तक रिलीज किया था, सब कुछ रिलीज किया था, बट ये कुछ टाइम के बाद हट गया है ना, आप लोगों को पता है। उसके बाद ये जो बॉर्डर्स है फ्री फायर के, यहाँ से आपको नहीं देख सकते हो, ये ओपन हो गए एंड इसके बाद अपना फायर ब्रिगेड वाला आइलैंड भी खुल गया एंड हमारा मेन जो बर्मुडा ये अपना मेन जो पोकेट्री का आइलैंड होता है जहाँ पर ब्राजीलिया से लेकर हमारे को मतलब दूर दूर तक हमारे को क्या बोलते हैं उसको जगहें दिखती है, मतलब सारी की सारी जगह ओपन हो जाती है। बट गाइज इसको अगर आप लोग को मतलब आप में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, बट जिनको याद है गाइज
उन लोगों को पता होगा कि भाई ये जगह कैसी होती थी। ठीक है, बिल्कुल लिटरली सेम डिट्टो कॉपी कर दिया गया अंदर का इसका। गाइस जब मॉड आया सारा तो भाई किसी ने भी इसको खेला नहीं, बिकॉज यार बहुत कम लोगों को पता था कि फ्री फायर के अंदर भी एक नया मैप नहीं आने वाला है। और भाई तो यार इसको मार देते हैं। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, एक नया मैप भी आने वाला है और भाई इस तरह का मैप आने वाला है इतना बड़ा। और भाई जब इवेंट चलता ना इस ट्रैक का, तो गाइस होता क्या था कि पूरे मैप के अंदर हमारे को ऐसे ऐसे एग मिलते थे और हम एग्स को तोड़ सकते थे, एंड इन एग्स के अंदर से हमारे को टोकन मिलते थे जिसको हम इवेंट में यूज कर सकते थे, एंड हम कल जब अपने चीज़ें निकालते थे। और पहले ना प्लेयर्स को मारू, सालों को आराम होगा। गाइस वो मेरा काम क्या है, मेरे को ना यार एयरपोर्ट देखने को जाना है। गाइस यहाँ पे एयरपोर्ट नाम की जगह है ना, मेरे को इसको देखने के लिए जाना है, बिकॉज मैंने आज तक नहीं देखा है भाई एयरपोर्ट। मैं इस जगह पे तो उतरा हूँ, मैं यहाँ पर तो आया हुआ हूँ, बट एयरपोर्ट आज तक भी नहीं गया हूँ। मतलब एक बार भी मैं गया नहीं हूँ लाइफ में एयरपोर्ट। मेरे को एयरपोर्ट देखना है, बिकॉज एयरपोर्ट टाइम की फ्री फायर के अंदर कोई जगह ही नहीं थी, जगह ही नहीं। पहले तो गाइस आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, फ्री फायर के अंदर मिलिट्री बेस नाम की जगह थी, मतलब इतनी सारी अलग अलग नाम की जगह थी कि मैं बता भी नहीं सकता। भाई मेरे को मेरी ही फुटस्टेप्स आ रहे हैं, मेरे को लगा मेरे को फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अपने लिए जो एक काम करते हैं, गन चेंज कर लेते हैं, UMP ले लेते हैं हाथ में। ठीक है भाई, देखो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो सब बंदे लाइक के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है भाई, ये बहुत बहुत लिटरली अजीब सी चीज है, ये पुरानी फ्री फायर खेल रहे हैं। ठीक है, और देखो ईस्टर एग पड़ा हुआ है भाई, बहुत सारे लोग को ये तो याद ही होगा, ईस्टर एग वाला इवेंट तो याद ही होगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे को गलती ईस्टर एग को तोड़ना पड़ता था, एंड फिर हमारे को भाई अपने लिए न्यू गन्स मिलती थी, सॉरी गन्स क्या बोल रहा हूँ मैं यार, हमारे को वो मिल जाता था, क्या बोलते हैं यार इसको, यार गाइस क्या बोलते हैं यार, टोकन मिलते थे हमारे को। ठीक है, ओके, ये वाला एरिया सब लोग को याद नहीं होगा। और गाइस ये देखो, ये जो डब ये जो देख रहे हो घर, पहले गाइस ऐसे वाला घर होता था भाई। यहाँ पर गाइस हमने वाली वीडियो भी शूट की थी, जिन लोग को याद होगा, जिनमें कहते हमने यहाँ पर इसके अंदर 49 प्लेयर्स घुसा दिए थे और फिर बाहर से नेट फेंके थे, वाली वीडियो भी हमने यहीं पर शूट की थी। और ये वॉल्स देख रहे हो गाइस, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स है, ये देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स है, ये सारी वॉल्स एक तरह से बैरियर की तरह थी भाई, यहाँ से तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं जा सकते तुम लोग बाहर। बट अभी हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये क्रेज होने वाला है, बिकॉज एयरपोर्ट अभी जब हम देखते हैं पोवेट्री के मैप में, तो एयरपोर्ट नाम की कोई जगह ही नहीं है। और भाई, अरे यार भाई ये भी ठीक है यार, मतलब भाई मैं ना ऊपर एम नहीं कर सकता, यहाँ से ऊपर एम नहीं कर सकता भाई। ओके, मर गया भाई, लेट्स गो, पूरा भर दिया भाई मैंने इसको पूरा का पूरा। ओके जल्दी से ऊपर से चलते हैं, यहाँ पर बॉट्स तो भाई बहुत अजीब से है, पर कोई बात नहीं, बॉट से फाइट करने तो हम आए भी नहीं है, हमारा मेन फोकस रहेगा एयरपोर्ट जाने का। और ये देखो भाई, हम एयरपोर्ट की तरफ आ चुके हैं, रुक जाओ जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट 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 फायरिंग नहीं करनी यार, एयरपोर्ट की तरफ जाना है हमारे को। अभी एयरपोर्ट की जगह यार मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है, क्वेरी है। देखो मैप के कोने में ना गाइस सिर्फ क्वेरी होता है, एंड अपना क्वेरी होता है, एम्प्टी विला होता है, ठीक है, और मार्वल वर्क्स है, बस यही चीज है। एंड तो ये एयरपोर्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, मतलब लिटरली यहाँ पर एक पूरा एयरपोर्ट है, बट हम वहाँ पर अभी के टाइम पे कहीं पे भी बाहर ऐसा एयरपोर्ट नहीं है, गोल्फ कोर्स है बट एयरपोर्ट नहीं है, मतलब पूरा चेंज सा हो गया है। बट क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट होना चाहिए था वैसे पोगेट्री मैप में भी, बिकॉज पोगेट्री मैप में एयरपोर्ट नहीं है, थोड़ा अजीब सा लगता है, हमारे पास फील्ड जैसी करके एक जगह, इतनी बड़ी फील्ड जहाँ पे होती है, बट भाई एयरपोर्ट नहीं यार, एयरपोर्ट तो बहुत जरूरी चीज है यार, एयरपोर्ट भी होनी चाहिए थी, है ना। और प्लेन वगैरह भी है यहाँ पर गाइस, और लंबा रोड देख सकते हो यार, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर वहां तक का रोड है अपना, पूरा लंबा, पांच ओर से बॉट तभी भी आ जाएगा हमारे को, उनको भी पेलना पड़ेगा यार, ताकि हम अपना भुया निकाल पाए। और भाई ये टनल देख रहे हो गाइस, ये टनल आई गेस जहाँ से ओपन होती है और यहाँ से खत्म होती है। गाइस आप लोगों को ये भी तो पता ही होगा, एम्प्टी विला में भी एक टनल होती है, एम्प्टी विला के नीचे भी एक टनल होती है, बट वो बंद है एक तरह से, मतलब एक तरह से बंद तो क्या है, मतलब है खुली है बट वो कल कहीं के लिए जाती नहीं है, मतलब एक तरह साइड से खुलती है एंड दूसरी साइड से बंद हो जाती है, तो मतलब बंद होती है, बंद तो क्या होती है, मतलब खुलती एक तरह से खुलती है दूसरी तरह से खुलती है, पर एक साइड में पूरा मतलब यहाँ पर इस साइड पहाड़ आ जाता है पूरा पूरा, और कुछ वहाँ पे होता ही नहीं है। तो गाइस ये थोड़ी अलग बात है कि गाइस यहाँ पर ना, गाइस यहाँ पर एयरपोर्ट है, यहाँ से हम जा सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा अंदर चलते हैं, इधर से चलते हैं एंड यहाँ से ये घूमेगा। एंड भाई ये देख लो गाइस, ये लिटरली मैं अभी इसके अंदर हूँ गाइस, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कहीं पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यार फ्री फायर को ये टनल वापस ले आनी चाहिए, कितनी सही लग रही है टनल, ये सोचो पूरा टनल के अंदर फाइट फूट चल रहा है, क्या खतरनाक लगेगा। ओके तो हम आ चुके हैं भाई, इस टनल से बाहर आने वाले हम थोड़ी देर में, और लिटरली यार क्या सही जगह है भाई, मेरे को तो अब वो रहा है कि भाई फ्री फायर वालों ने क्या मस्त बनाई थी जगह। देखो अब यहाँ से हम बाहर आ गए, लेट्स गो भाई, ये देखो, हाँ मैं जिस चीज की बात कर रहा था, देखो ये वाली जो टनल दिख रही है ना आपको आगे, ये वाली टनल है, बट जो ये वाला एरिया है, ये वाला पूरा एरिया ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं अभी के टाइम पे, बट पहले के टाइम पे यहाँ पर कल दो दो टनल होती थी, ये वाली टनल एंड एक ये वाली टनल, भाई ये सही है यार, दो दो टनल होती थी फ्री फायर के अंदर भाई,
ओके okay, अभी भाई एनिमी यार रुक जाओ, हमारे को ना कहीं मिनी मैप पे देखना पड़ रहा है, मिनी मैप पे ना आगे मेरे को एनिमी दिखा तो रहा है बट ये एनिमी मेरी तरफ नहीं आ रहे भाई। आओ चलो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुम्हारा कुत्ता बनाता हूँ मैं, कुत्ता आओ एक बार। बट चलो अभी जल्दी से चलते हैं गाइस। एंड भाई वो देखो वो पार पहाड़ वाली एरिया देख सकते हो आप गाइस, वहां पर आप लोगों का इस गर्मी के टाइम सारी की सारी नई नई जितनी भी जगह है सारी की सारी देखो, क्रॉस रोड वहां पे होता है, फील्ड्स वगैरह वहां पर है अपना, ठीक है वो रहा हमारा ब्राजीलिया वहां पर होता है, मतलब पूरा पूरा भी एरिया बना भी नहीं है, ये मैप बना भी नहीं है। काम करते हैं एम्प्टी विला की तरफ बढ़ते हैं और देखते जरा एम्प्टी विला पे क्या चल रहा है गाइस, बिकॉज वो एम्प्टी विला पे एक बार चेक कर रहा है कि मैं एम्प्टी विला से गाइस ऊपर से सारी जगह देख सकते हैं। और भाई ये जो मतलब हमारे को बाहर वाला एरिया देखना है और भाई नीचे वाला देखो, ये देखो यहाँ से देख रहा है ये वाला एरिया। ओके चलो 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 एम्प्टी विला की वो देखो, ये रहा गाइस ये देखो ब्राजीलिया वाला ब्रिज, ये ब्राजीलिया वाला नहीं ये वाला ब्राजीलिया वाला ब्रिज नहीं है गाइस, ये तो फायर ब्रिगेड वाला और अपना जो क्या बोलते हैं उसको यार क्या नाम है उस जगह का यार, मैं नाम भूल गया गाइस, फायर ब्रिगेड के साथ भी जो जगह होती है गाइस मैं नाम भूल गया यार, यही तो होती है बिल्कुल साथ पे जहाँ से हम जिपलाइन से भी जा सकते हैं, मैं नाम भूल गया गाइस, उसको कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। ठीक है ये वाला ब्रिज नहीं है, ये वाला मतलब ये वाला ब्रिज है फायर ब्रिगेड वाला, और ये वाला जो जगह देख रहे हो गाइस जहाँ मैं फायरिंग कर रहा हूँ वहां पर जो ब्लॉक है वहां पर है गाइस हमारा शायद उसका ब्रिज, ये देखो यहाँ से जाता है ये रहा अपना गाइस अपना एरिया मेन एरिया। ठीक है ओके तो गाइस अभी हम आज को टॉप पे एम्प्टी विला के टॉप पे भी आ चुके हैं गाइस हम, लेट्स गो। एम्प्टी विला के टॉप पे क्या है भाई, यहाँ पर लिटरली कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक देखोगे तो हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा, पर हमारे को मॉडल हमारे को ये दिख जा रहा है कि गाइस पुराना मॉडल शेप कैसा था फ्री फायर का, मतलब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इनने कैसा ये कैसा बनाना चाहते थे फ्री फायर को, क्योंकि यहाँ पर मार्वल वर्क्स बनेगा, मतलब आराम आराम से हमारे को पूरा देखने को मिलेगा भाई कि आराम आराम से कैसे फ्री फायर का मैप फॉर्म हुआ था, कैसे फ्री फायर बनी कैसी थी, आराम आराम से मेरे को देखने को मिल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है भाई क्या फ्री फायर क्या कैसे बन रहा था कैसे बन रही है, मतलब पूरी गेम का मेरे को पूरी नॉलेज मिल रही है भाई यहाँ पर। यहाँ पर एक बॉट है इसको मार लेते हैं जल्दी से। ओके बॉट हमने पेल दिया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इसको 5 किल भाई, मेरे 5 किल भी हो गया, लेट्स गो यार ये तो सही चीज है भाई, 5 किल कर दिया हम लोगों ने, लेट्स गो। ठीक है अभी नीचे चलते हैं गोल्फ कोर्स के पास, और ये रहा हमारा गोल्फ कोर्स, अभी के टाइम पे यार गोल्फ कोर्स तो काफी काफी साइड को है बट यहाँ पर काफी लेफ्ट लेफ्ट को है, पर अभी यहाँ पे जो हम अभी के टाइम पे देखते हैं तो राइट में है, काफी ज्यादा राइट में है गोल्फ कोर्स, और देख रहे हो यहाँ पर मतलब गोल्फ कोर्स इस एरिया में होता था जहाँ मेरा आपको माउस कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पर होता है गोल्फ कोर्स, एम्प्टी विला यहाँ पर होता है, हमारा क्वेरी यहाँ पर होता है, यहाँ पर गाइस हमारे को देखने को मिलता है अपना मार्वल वर्स भी, मार्वल्स काफी ज्यादा बड़ा है आप लोगों को पता होगा, मार्वल्स दो एरिया में बटा हुआ है, नीचे अपर मार्वल्स और लोअर मार्वल्स दो साइड में बटा हुआ है, तो बस सही चीज है यार एकदम खतरनाक। और यहाँ पर गाइस देखो ये देखो ये भाई ये तो मैंने पहली बार देखी वाली शेल्फ, मैं यहाँ पर तो अभी के टाइम पे मशीन होती है आप लोगों को पता होगा वेंडिंग मशीन होती है, बट ओके यहाँ पर ये भी मैंने आप पहली बार देखा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं लगता है फ्री फायर के अंदर अभी हमारे के टाइम पे। ठीक है ये सारा तो सेम ही है, ये भी सेम है, यहाँ पर डब्बा होता है ठीक है लूट बॉक्स वाला टाइप का डब्बा होता है ना वो वाला, और ये वाला पत्थर मैं पहली बार देख रहा हूँ इस, ठीक है ये वाला ये वाली चीज भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने आज तक देखी नहीं इस टाइप का फ्लावर टाइप का, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ब्रिज क्रॉस करना चाहता हूँ, और ब्रिज क्रॉस क्रॉस करके मैं देखना चाहता हूँ भाई उस तरफ क्या है भाई, मतलब हम जा सकते हैं नहीं यार मेरे को लग रहा है नहीं जा सकते, देखो ब्लॉक ब्लॉकेज लगी हुई है वहां पर, देखो 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 चलो चलो चलते हैं। हाँ भाई ये देखो क्या खतरनाक तरह से ब्लॉकेज लगी हुई है लिटरली, ओके ऊपर से जाने का ट्राई करते हैं यहाँ से, ओके क्या जा सकते हैं गाइस अब क्या, देखो अभी देखो भाई हम जा रहे हैं सेंट्रल की साइड, सेंट्रल बोलते हैं गाइस देखो, ओके नहीं जा सकते गाइस नहीं जा सकते, देखो यहाँ से आगे नहीं जा सकते शायद, ओके तो चलो वापस ही चलते हैं। एंड गाइस देखो अभी यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते बट बहुत ही जल्द ये मैप ओपन होगा और भी चीजें खुलने वाली है फ्री फायर के लिए भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस क्या होने वाला है, जब कभी इसका न्यू अपडेट आएगा तो तब देखेंगे। एंड गाइस अगर आप लोग को वीडियो देख के थोड़ा भी मजा आया ना तो सब बंदे लाइक के बटन पे क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे को गाइस अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं तो सोने जाने वाला हूँ, आप लोग को भी सुप्रभात।